हाय फ्रेंड, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का वीडियो आप पूरा देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो वीडियो में बहुत कुछ मैंने बताया है, बहुत सारे डिटेल्स दिया है, आप वीडियो को पूरा देखते जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में, और इसका जो प्राइस वगैरह है और इसका वाटेज वगैरह कितना है, कितना लोड ले सकता है, आपको कौन सा बोर्ड लेना है, मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखते जाइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा A4440 बोर्ड। तो A4440 बोर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस बोर्ड है, IC वाला बोर्ड है, और ये हमारा 12 वोल्ट सिंगल सप्लाई से ऑपरेट होता है। तो ये बोर्ड बहुत ही पॉपुलर बोर्ड है मार्केट में, ये बहुत ही ज़्यादा चलता है, लगभग पूरा मार्केट में 40% ए वाला बोर्ड ही मिलेगा आपको। तो ये बोर्ड का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये के आसपास लोकल मार्केट में बहुत ही इजीली तरीके से ये बोर्ड आपको मिल जाएगा, और आप इसमें 8 इंची करके 20 वाट करके 2 स्पीकर बजा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा वाला जो बोर्ड है, एसटीक का 4141 बोर्ड। तो ये वाला बोर्ड, इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो हमारा 20025 एम्पियर। और फ्रेंड, इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्या बताऊँ, बहुत ही क्लियरिटी है इसके साउंड में। तो ये वाला बोर्ड भी मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, और आपको 400 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, हाँ 400 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और इसमें आप 40 वाट करके 2 स्पीकर बजा सकते हो 8 इंची का, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड, हमारे पास सबसे फेमस वाला जो बोर्ड है हमारा पूरा मार्केट में, वो हमारा 3055 एम्पलीफायर बोर्ड। तो ये वाला बोर्ड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और लगभग हर एक घर में आपको मिल जाएगा, और इसका जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस है इसका, ये लगभग आपको विदाउट ट्रांजिस्टर का आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। अगर ट्रांजिस्टर वगैरह लगा के पूरा कंप्लीट बोर्ड अगर आप लेते हो तो आपको लगभग 350 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इसका जो वाटेज है दोनों ट्रांजिस्टर मिलके हमारा 40 वाट हमारा आउटपुट देता है, लगभग आप दोनों चले, ये हमारा स्टीरियो है तो आप इसमें 40+40 आपको 80 वाट आपको मिल जाएगा। और आप इसमें 8 इंची करके हमारा जो 80 वाट करके 2 स्पीकर बजा सकते हो 4 ओम के लोड पे, और इसका साउंड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और इसका जो ट्रांसफॉर्मर है वो आपको 2426 अब लगाइए 5 एम्पियर का, आपका साउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरे एम्पलीफायर बोर्ड देखते हैं। हमारा ये वाला जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो हमारा 7294 IC वाला एम्पलीफायर बोर्ड है, और इसका साउंड क्वालिटी अभी तक मैंने जितने भी ट्रांजिस्टर IC वगैरह दिखाए, सबसे ज़्यादा अगर आप अच्छा साउंड क्वालिटी का एम्पलीफायर लेना चाहते हो तो वो हमारा ए वाला बोर्ड है। और इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा हाई है, लगभग 500 रुपये के आसपास आपको मिलेगा लोकल मार्केट में। और इसका जो वाटेज है वो आपको 100 वाट देगा पावर चलन, मतलब ये हमारा 200 वाट स्टीरियो बोर्ड है। और इसका जो पावर सप्लाई है वो हमारा 2426, हाँ आप 5 से 7 एम्पियर दे सकते हो, आपका साउंड बहुत ही अच्छा होगा। और आप इसमें 12 इंच से 10 इंच तक आप स्पीकर बजा सकते हो, वो भी 100 वाट करके 4 ओम करके आप लोड दीजिए, आपका बहुत ही ज़्यादा साउंड अच्छा बनेगा। और इसके बाद हमारा ये वाला जो हमारा जो बोर्ड है 5200-1943 NPN और PNP ट्रांजिस्टर वाला, तो ये बोर्ड में आपको जितना भी बोर्ड अभी तक मैंने दिखा है सबसे ऊपर नंबर एक में है हमारा ये वाला बोर्ड। और इसका जो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और इसका जो पावर बहुत ही अच्छा है, लगभग एक चैलेंज में आपको 100 वाट करके देगा। लेकिन फिर ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है, और अगर आप आज के ज़माने में अगर आप कहोगे तो हमारा पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांजिस्टर और सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रांजिस्टर हमारा जो 5200-1943 जो हमारे NPN और PNP ट्रांजिस्टर होता है, तो ये वाला हमारा बोर्ड सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसका पावर भी बहुत ही ज़्यादा है, और ट्रांजिस्टर वाला जो इसका बोर्ड है, और यहाँ पर हम मॉडिफाई करके इसका वाटेज और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो लगभग इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया है आपको पावर चैलेंज 100 वाट करके आपको दे देगा, मतलब 4 ट्रांजिस्टर में आपको 200 वाट आउटपुट दे देगा, ठीक है। और अगर आप इसका प्राइस जानना चाहते हो तो ये बोर्ड लगभग आपको 500 से 600 रुपये के आसपास मिल जाएगा लोकल मार्केट में। और इसका जो पावर सप्लाई बनने वाला है वो हमारा 30035 एम्पियर का, और आप 40040 भी दे सकते हो 3 एम्पियर, ठीक है। तो आपका साउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और आप इसमें जो हमारा 12 इंच का जो 100 वाट करके जो स्पीकर है ना वो आप बजा सकते हो। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ए वाला बोर्ड लीजिए आज के ज़माने में। तो इसका साउंड भी अच्छा है, इसका पावर भी अच्छा है,
और ये वाला जो हमारा जो ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड है ना, इसका लगभग हर एक चीज़ ही अच्छा है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका प्राइस वगैरह देख के, तो आपको कौन सा वाला बोर्ड लेना है वो आपके ऊपर है। मेरे से जितना हो सके मैं आपको बताया। अगर आप मेरे से पूछोगे तो आपको मैं कहूँगा आप 5200N1943 वाला ट्रांजिस्टर बोल लीजिए, आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, साउंड क्वालिटी भी अच्छा होगा। और आप एक जो हमारा 5 एम्पियर और हमारा 30030 ट्रांसफार्मर लीजिए, आपका साउंड फटेगा नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही। अब वीडियो को पूरा देखिए तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय टाटा। ठीक है, चलिए फ्रेंड।